खिचड़ी का रंगारंग कार्यक्रम का लुधावल में जिसके गायक देवेंद्र ब्रजवासी टीकैत पेशावर से ढोलक पर संगति करे, बड़े भाई सुरेंद्र जी पछादरा नगला से टीका की धनकार दिखा रहे, ब्रजमोहन जी बटावली से पैड की धनकार दिखा रहे, भाई वीरेंद्र जी रोनिया से, और ये लाइव प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है आपके ही नाम में जिन्होंने विदेशों तक अपना नाम रोशन कर रखा है, इस राजस्थान को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, पंडित रोहतास डीजे साहब जनूतर बालों की तरफ से आइए। सभी के चरणों में सर रखते हुए देवेंद्र ब्रजवासी की तरफ से राम राम है, राम राम सा। अब सुनाएंगे 2020 का मैच यहीं से प्रारंभ होता है पंडित जी, आपके सामने एक बड़े ही धाकड़ कलाकार भीकम रसिया जी आपके बीच में आए हैं, और मैंने सुना है कुछ अपने पीछे राजस्थान केसरी लगा रहे हैं। अब यहीं से मेरा प्रश्न पूछना है रसिया जी से, और लिख रहे हैं फिल्म वाले भैया सुरेंद्र, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, का महीना है ये। धुम तो है बॉम्बे वालों की, लेकिन पूछना क्या है ये आशीर्वाद मेरे बुजुर्गों की तरफ से आते हुए बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं पंडित जी, क्या नारी को नर की कहे, ये नारी जो एक बहन, जो एक माँ, जो एक बहू और एक बेटी है, अरे नारी को नर की कहे, और अर्धांगिन संसार, अरे अर्धांगिन संसार, और एक बार मिल बोलिए उस मैया की जय, तब कहना के प्रीत पत पे, प्रीत पत पे जताती है। चाचा जी ये नारी प्रीत पत पे जताती है, सारी रस्में निभाती है, क्यों ये चो एक रुपए का आशीर्वाद श्रीमान श्री दशरथ सिंह प्रधान जी की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया,
एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। क्यों प्रीत पथ पे जताती है, सारी रस में निभाती है। क्यों ये नारी जब इस पति के प्रति समर्पित हो गई है, मेरी माताएं यहाँ पर बैठी हुई है, प्रीत पथ पे जताती है, सारी रस में निभाती है। अरे ऐसा क्यों, अरे ऐसा क्यों, पूछना क्या है प्रधान जी, ऐसा क्यों पत्नी पति के, अरे ऐसा क्यों पत्नी पति के चरणों को दबाती है। लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के चरण दबा रही है, आपने कैलेंडरों में देखा होगा। अरे लक्ष्मी पैर दबाए श्री हरि का, हृदय में ध्यान लगाए श्री हरि का। क्या उस दिए की पाती है। पंडित जी अगर ये पति दीपक है तो पत्नी भी एक बाती की तरह है जो इस दीपक को प्रज्वलित कर रही है। अरे पत्नी या तो पत्नी उस दिए की पाती है और प्रीत पथ पे जताती है, रस में निभाती है। क्यों पूछना बस यही है भीकम रसिया जी, अरे पत्नी क्यों अपने पति के चरणों को दबाती है, है। मेरे सरदारों क्या बुरे दिन जब भी आते हैं, बुरे दिन जब भी आते ही ये बुद्धि रूठ जाती है, खड़े खेतों की हरियाली भी जलकर सूख। अपने ध्यान को लगाएंगे लाछा ग्रह से प्राण बचा करके। वो पांचों पांडव एक घने जंगल में पहुंच गए। आहा वो भीमसेन पहरा लगा रहा है। चार भाई माता कुंती सहित एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। आज भीमसेन विचार कर रहा है, हम पांचों भाई बलवान होते हुए भी वनवास भोग रहे हैं, मैं दुर्योधन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगर महाराज युधिष्ठिर मुझे आज्ञा दे दे, आज भैया क्या कह रहे हैं। और ये ले ओ तमाशो, अरे मेरो और बहादुरी ओ धनकु, अरे मार की मिटाएं तो खोते रो। मेरे सरदारों
भाई की आज्ञा होगा दुर्योधन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भैया सुरेंद्र क्या कह रहे हैं? अरे करनी को फल आज दूंगा, अरे करनी को फल आज दूं, महाराज अभी में चाय के चाय न चा कोई कर सो तुस्तकी देखो। लेकिन मेरे सरदारों कभी ने कलम उठाई और लिख रहा मैंने भेस बहुत से देखे हैं, मैंने भेस बहुत से देखे हैं पर साधु जैसा भेस नहीं, मैंने केस बहुत से देखे हैं पर द्रौपदी जैसे केस नहीं, कलेश बहुत से देखे हैं पर घर के जैसा कलेश नहीं। प्रधान जी कलेश बहुत से देखे लेकिन जो घर में कलह होती है लड़ाई होती है ऐसा कलेश नहीं मिलता है। कलेश बहुत से देखे हैं पर घर के जैसा कलेश नहीं, मैंने देश बहुत से देखे ही मेरे भारत जैसा। घूमे कदा हाथ भी मांगी, क्रोध रहो तन छाइए और उसी बनी में दानव रहते एक बहन एक, सो नाम हिडंबा और हिडंबी। उस जंगल में दो दाने रहते थे बहन और भाई, एक भाई भैया का नाम था हिडंबा और बहन का नाम था हिडंबी। क्या नाम हिडंबा और हिडंबी, वो लगाए के लौटे फेरा और दिया डाल वहीं पे। आहा वो हिडंबा अपनी बहन से भैया क्या कह रहा है? अरे दानव पहनाते बंदराने, आज भैया सुरेंद्र वो हिडंबी क्या कर रही है?
लिखा मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। और गुरु हरिशंकर जी अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता मुझे तेरी जरूरत होती है हमारे मुख से पंडित जी आवाज नहीं निकलती और जब जरूरत खत्म हो गई फिर हम दुहाई देते हैं। लेकिन सुरेंद्र भैया जरूरत के समय पर तो नहीं मुख खोलते हैं लोग, क्यों जरूरत के समय पर तो नहीं मुख खोलते हैं लोग, क्यों समय निकले तो क्या से क्या, समय निकले तो क्या से क्या न जाने खोलते हैं लोग जरूरत। जरूरत के समय पे मुंह नहीं खोलते लेकिन समय निकल गया जब याद आती है पंडित जी, क्यों ऐसा कई ग्रंथों में हुआ है। जिस समय सौ सौ बेटों की लहसों पर सौ सौ बेटों की लहसों पर बैठ अंधा नहीं रोता, क्यों अगर वो समझ जाता कि मुझे कुछ बोलना भी है तो क्या होता। सौ सौ बेटों की लहसों पर बैठ अंधा नहीं रोता, समय पर बोल जाता तो महाभारत नहीं होता। अगर कह देता कि मैं पांच गांव पांचों पांडवों को दे दूंगा तो पुत्र खत्म नहीं होते गुरुदेव। निहत्ते वीर पर प्रहलाद ताकत तोलते हैं लोग, समय निकले तो क्या से क्या न जाने बोलते हैं।